आप देख रहे हैं जेके न्यूज टुडे, मैं आपके साथ हिमानी कंधारी। इस समय हम बीजेपी ऑफिस में हैं, जहां पे जेएनके प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, अगर दूरबीन लगाकर भी दूर दूर तक इन इलेक्शंस के रिजल्ट में कोई अगर कांग्रेस को ढूंढेगा तो दूरबीन लगाकर भी कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आ रही है। और उसी प्रकार पूरे देश में कांग्रेस समेत तमाम इनके जितने कोलिशन पार्टनर्स थे उनकी करारी हार हुई है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस उनकी जबरदस्त हार हुई है। और इस हार को भी सारी दुनिया ने देखा है कि जहां बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं की समानते जब्त हुई है, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी समेत तमाम अपोजिशन की जमातें जिन्होंने इस इलेक्शन में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया, उन तमाम सियासी जमातों को रिजेक्ट करके पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए पर अपना भरोसा जताया है और अपने दम पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार बनाने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब फिर से तीसरी बार भारत देश की बागडोर संभाल रहे हैं। भारत देश का बच्चा बच्चा खुशी के साथ झूम रहा है, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। तो ये थी बीजेपी की जीत के बाद जम्मू कश्मीर में रविंदर रैना की पहली प्रेस वार्ता। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए जेके न्यूज़ टुडे। वीडियो जर्नलिस्ट काकराम के साथ मैं हिमानी कंधारी।